अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा सेकेंड डे है गुलमर्ग में। रात को नाइट स्टे हमने किया था टंगमर्ग में और अभी हम लोग फिर से पहुंचे गुलमर्ग। तो रात को हमने की थी स्कीइंग और आज का प्लान है हमारा कि आज हम गंडोला राइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रात का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आपको। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। तो यहाँ से आपको लेनी है गंडोला के लिए टिकट। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को लाइन में रहना पड़ेगा। टिकट ले लिया हमने। तो अगर आपको स्कीइंग करने के लिए जाना है तो आपको इस वाले साइड से जाना होगा। अगर आप स्कीइंग करने के लिए नहीं जा रहे हो तो आपको दूसरे साइड से जाना पड़ेगा। इसको टू साइड्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम जाएंगे गुलमर्ग से पहले फेज फर्स्ट पे, जिसे कंगाडोरी स्टेशन या कंगाडोरी विलेज भी कहा जाता है। उसके बाद हम जाएंगे फेज सेकंड पे, जिसे अफरवट कहा जाता है। और फेज़ फर्स्ट पे कंगाडोरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्नोमोबाइल, स्कीइंग, स्लेज। तो हम देखते हैं, लेते हैं उन सब चीज़ों का मज़ा। वो सब एक्टिविटीज़ हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कंगाडोरी के फर्स्ट फेज़ में और यहीं से आपको सेकंड फेज़ के लिए गंडोला मिल जाएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गंडोला में और अभी हम देखते हैं फर्स्ट फेज़ पे कैसा मज़ा आता है। तो ये कुछ व्यू है इस स्टेशन का, जहाँ पे आपको फर्स्ट फेज़ पे गंडोला छोड़ता है। ये देख लीजिए ये लोग कैसे स्लेज्स के मज़े ले रहे हैं। तो आप भी ले सकते हो अगर आप यहाँ पर आते हो। और आपको यहाँ पर ये स्वीट कॉर्नस मिल जाएंगी, आपको इसके लिए 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग आए हैं सीधा सनशाइन के रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम लोग पियेंगे चाय और बिस्किट्स और कुछ स्नैक्स हमने नीचे से साथ लाए थे। तो चलो पी लेते हैं चाय। हम लोगों ने चाय मंगाई है, चाय। लेट्स हैव सम टी। तो अभी हम लोग चाय पीने के बाद सीधा आए स्नोमोबाइल की राइड करने के लिए। और अभी हमें स्नोमोबाइल के ऑपरेटर्स ने कुछ ऐसी जगह पे छोड़ा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, थोड़े फ़ोटो शूट्स करेंगे, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे फेज़ सेकंड के लिए। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide.
तो अभी हम जाते हैं सेकंड फेज़ पे। स्नोमोबाइल के मज़े तो हमने ले लिए और स्लेज के और बाकी एक्टिविटीज़ हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, सेकंड फेज़ पे भी जाना है। तो चलिए चलते हैं सेकंड फेज़ पे। तो गाइस सेकंड फेज़ के लिए हम लोग चढ़ गए। हम तीन ही हैं तो चौथा पर्सन अभी कोई नहीं है। सेकंड फेज के लिए फोर्थ पर्सन भी हमारे साथ। जल्दी मजे से बोले, जल्दी मजे और अभी फिर से जा रहे हैं स्की के लिए। चक्कर हो गए सर आपके? चक्कर पांच हो गए पांच हो गए अभी तक। चेयर करके दो फॉरवर्ड के तीन चक्कर, ये चौथे में जा रहे हैं। ज़्यादा हाइट पे सुकून जैसा मिलता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा आगे जाके। बहुत सी जगहों पे मैंने भी ट्रेवल किया बट ऐसी जगह आज पहली बार देखा, क्योंकि यहाँ पे गुलमर्ग में मेरा ये फर्स्ट चांस है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे अफरवट में आपको खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा और एक्टिविटीज़ कुछ खास यहाँ पे नहीं है। अगर आप अपने साथ स्की लाते हो तो यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हो, उस पे वापस से नीचे फेज़ फर्स्ट पे जा सकते हो, बट यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे। ये कुछ बंदे हैं, इनका फ़ोन खो गया है यहाँ पे। एक्चुअली ये कुछ रील बना रहे थे तो फ़ोन गिर गया बर्फ़ के अंदर, अब मिल ही नहीं रहा है। इस साइड पड़ती है फ्रोज़न लेक। अभी हमने पूछा था यहाँ के यहाँ पे कोई लोकल है यहाँ का, तो उससे पूछा था कि उसने बोला 1-2 किलोमीटर यहाँ से दूर है फ्रोज़न लेक। वो कहते हैं ना, वंस यू रीच द टॉप द व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल, सो लुक अराउंड द व्यू, इट्स वंडरफुल। हम फिर से जा रहे हैं फर्स्ट फेज पे। तो ये गंडोला के बैक साइड से व्यू है।
अभी हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं कंगा डोरी के फेज फर्स्ट पे और यहां से हम लोग सीधा जाएंगे गुलमर्ग। तो खाना हमने खा लिया और अभी हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी। अफरवट पीक से हम लोग फिर सीधा आए नीचे गुलमर्ग में और यहाँ पे खाना खाया और कॉफ़ी पी। हमारी बैटरी एक्चुअली फ़ोन की डेड हो गई थी तो यहाँ पे अभी चार्ज किया। तो अभी देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। टंगमर्ग में हम नाइट स्टे करेंगे, यहाँ पे तो होटल्स बुक हैं और बजट बहुत ज़्यादा है, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस फिर हम लोग गुलमर्ग से सीधा टंगमर्ग आएंगे आगे नाइट स्टे के लिए और आप आंखों की हालत तो देख ही सकते हो, पता नहीं क्या हो गया, पूरी लाल हो गई है वहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।